वेलकम टू CAGuruji Classes.com। आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं जीएसटी आरसीएम में 1 अक्टूबर 2023 से बहुत इंपॉर्टेंट चेंज एक्टिव हो रहा है। एक आरसीएम की एंट्री को गवर्नमेंट ने ऑमिट कर दिया, यानी अब उस केस में आरसीएम पे नहीं करना है। और ये जो चेंज आया है, ये आया है बिकॉज ऑफ अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सारी डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में मैं कर रही हूं। 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी में 20+ चेंजेस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए थे, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है, इसे देखना बिल्कुल मत भूलना। अब जैसे ही मैं कोई आरसीएम की वीडियो बनाती हूं ना, तो कुछ पर्सन्स मुझसे पूछते हैं व्हाट इज दिस आरसीएम। तो इसे समझने के लिए आपको जानना है एक ट्रांजैक्शन को, विच इज बाइंग एंड सेलिंग। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है जिसमें एक पर्सन बाय कर रहा है और एक सेल कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में अगर मैं ऐसा कहूं कि सेलर जीएसटी पे ना करके बायर जीएसटी पे करेगा, तो इसे बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को आरसीएम के अंदर नोटिफाई कर रखा है थ्रू द नोटिफिकेशन। तो ये जो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ना आरसीएम की, इसमें गवर्नमेंट कभी भी चेंज भी कर सकती है, जहां भी उसे जब भी जरूरत लगती है। तो अब गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी के आरसीएम की एक एंट्री को चेंज करा है, और वो भी बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क जजमेंट इन केस ऑफ मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसे डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक सिनेरियो की तरफ लेकर चल रही हूं। स्क्रीन पे मैंने एक सिनेरियो बनाया है। इस केस में आपको एक वर्ड लिखा दिख रहा है, बायर। एज्यूम करिए ये बायर है इंडिया का। क्या बाय करना चाहता है ये? एक सेलर से कुछ बाय करना चाहते हैं जो यूएसए का सेलर है, यानी यूएस से सामान इंडिया में आना है। ये ट्रांजैक्शन हमारी क्या हो गई? इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन। कोई भी पर्सन ऐसा कर सकता है? कुछ उसे सामान चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या फिर बाहर से उसे कुछ कॉस्ट कम पे पड़ेगा। तो बहुत सारे पर्सन्स इंपोर्ट करते हैं ताकि वो एज इट इज या तो उन्हें सेल कर सके, या फिर उस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके एज रॉ मटेरियल उसे मंगा ले और मैन्युफैक्चरिंग करके बेच सके। तो जो ये सामान यूएसए से इंडिया में आएगा, किसी रूट से आएगा, कोई ना कोई वे आउट होगा, या तो शिप से आएगा या बाय एयर आएगा। तो यहाँ पे हम सिनेरियो ले रहे हैं वेजल, यानी शिप के थ्रू सामान आएगा इंडिया में। ठीक है, ये सिनेरियो आपने समझ लिया। अब शिप के थ्रू सामान दो तरीके से आ सकता है, यानी आएगा तो शिप से ही, पर उस शिप का जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा? तो पहला सिनेरियो हम समझ रहे हैं CIF बेसिस, यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कौन बियर करेगा? सेलर। ये जो यूएसए का पर्सन है, इसको इंडिया के सेलर ने इंडिया के बायर ने बोल दिया कि आप मुझसे टोटल अमाउंट ले लो, मेरे पास तो सामान पहुंचा दो आप, चाहे फिर आप उसमें इंश्योरेंस इंक्लूड करो, चाहे आप फ्रेट इंक्लूड करो, चाहे गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करो, सारा सामान अपने पास से इंडिया में अपने खर्चे पर पहुंचा दीजिए। ठीक है, ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो होता है फ्री ऑन बोर्ड बेसिस, जिसमें जो ये यूएसए वाला सेलर है, ये इंडिया के बायर को बोलता है कि मैं तो बस यहां तक सामान ले आऊंगा, जो कार्गो है यूएसए का वहां तक मैं गुड्स ले आऊंगा, इसके बाद यहां से अब ये इंडिया मूव होगा, वो मूवमेंट आपको करनी है, यानी आपको फ्रेट अपने आप करानी है। चाहे आप फ्रेट कराइए यूएसए के पर्सन से, उसकी सर्विस लीजिए, या फिर आप फ्रेट की सर्विस लीजिए इंडिया के पर्सन का, शिपिंग कंपनी, चाहे वो इंडिया की है या इंडिया के बाहर की। तो अब आपने दोनों टर्म समझ ली, CIF एंड फ्री ऑन बोर्ड। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो CIF में आ रही थी। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? गवर्नमेंट इंपोर्ट के केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है बाय वेजल, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल कर रखा है, यानी इंपोर्टर को आरसीएम में टैक्स देना है इस फ्रेट पर 5% IGST। इंपोर्ट के केस में आपको पता होगा कि कस्टम ड्यूटी भी लगती है और IGST भी लगती है। और CIF की बात करूं तो उसमें क्योंकि कॉस्ट, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, तीनों अमाउंट इंक्लूड होके एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू पे पहले कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर दोनों को मिला के IGST लगता है। तो यहां पर हुआ क्या कि फ्रेट पर IGST कस्टम क्लियरेंस के टाइम पर भी लग गया, और इंपोर्टर को बोल दिया कि फ्रेट पे आप आरसीएम में भी टैक्स पे करो। तो इसके खिलाफ आवाज उठाई मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने। ये केस 2020 में आया था और बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि इसके बाद इसी केस के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी, जिसके बेस पर अब ये नया चेंज करा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डबल टैक्सेशन आप कर रहे हो। जी हाँ, आप आरसीएम में भी फ्रेट पर टैक्स ले रहे हो इंपोर्टर से, और अगर हम CIF में देखें तो कस्टम ड्यूटी ऐड होने के बाद IGST आप वहां भी चार्ज कर रहे हो टोटल वैल्यू पे, जिसमें कॉस्ट प्लस
इंश्योरेंस प्लस फ्रेट वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है और इंपोर्टर को पता भी नहीं है कितना फ्रेट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती थी, एक डीमिंग फिक्शन लगाती थी, एक नॉमिनल वैल्यू फ्रेट की मान लेती थी और इंपोर्टर को रिसिपिएंट मानकर उसे लाइबल बनाती थी आरसीएम में जीएसटी पे करने के लिए। अब 1 अक्टूबर 2023 से बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, 1 अक्टूबर से आरसीएम जो ये 5% था फ्रेट पर, इसे हटा दिया गया है। तो ये है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज। अब स्क्रीन पे आपको ये डिटेल्स दिख रही है। पहला चेंज करा है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 की एंट्री नंबर 10 को ओमिट कर दिया है। किस नोटिफिकेशन ने ओमिट करा है इसे, नोटिफिकेशन नंबर 30/2023 ने 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल हो गया, यानी अब इस एंट्री पर आरसीएम नहीं लगेगा। सो दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ। दूसरा चेंज गवर्नमेंट ने करा रेट में, क्योंकि 5% आईजीएसटी लगा रखा था इस ट्रांजैक्शन पे, तो रेट चेंज के लिए भी गवर्नमेंट ने, आपको स्क्रीन पे दिख रही है नोटिफिकेशन, 5% का रेट 0% कर दिया। और तीसरा चेंज करा गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहां पर लैंग्वेज में जहां भी वेजल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही थी उसके लिए पहले एग्जाम्पशन नहीं डाली हुई थी, उसको प्रोविजो में डाल के एग्जाम्पशन से हटा रखा था, तो प्रोविजो को चेंज कर दिया। तो ये तीन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू करी 26 सितंबर 2023 की डेट की, जिसके थ्रू अब जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया सीआईएफ बेसिस वाला इंपोर्ट के केस में, उस केस में फ्रेट पर अभी तक जो आरसीएम में इंपोर्टर को टैक्स पे करना होता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे पर्संस ऐसा नहीं कर रहे थे, फ्रेट पे आरसीएम नहीं पे कर रहे थे क्योंकि वो कंफ्यूज थे, तो उनके पास बहुत सारे नोटिस आए पड़े, तो अब इस बेसिस पर अब वो अपनी जजमेंट्स को भी, अपने नोटिसेस का भी रिप्लाई कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर से तो इफेक्टिव ही कर दिया गया है कि इस पर जो है आरसीएम में अब टैक्स नहीं लगेगा। अब स्क्रीन पे मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ क्योंकि कुछ पर्सन अभी भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि फ्री ऑन बोर्ड के केस में क्या है अब और सीआईएफ के केस में क्या है। तो अगर हम बात करें कि इंपोर्टर अगर शिपिंग करा रहा है, शिपिंग कंपनी जो है इंडिया की, फिर चाहे वो सीआईएफ है या फ्री ऑन बोर्ड है, उस केस में तो शिपिंग कंपनी को ही जीएसटी पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में, उस केस में तो कोई कंफ्यूजन ना पहले थी ना अब है। पर अगर लोकेशन ऑफ शिपिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया है और अगर फ्री ऑन बोर्ड का केस है तो फिर तो इंपोर्टर क्या है आरसीएम में टैक्स पे करेगा। पर अगर अब सीआईएफ का केस है तो इस केस में अब कोई आरसीएम कोई टैक्स पे नहीं करना है 1 अक्टूबर 2023। इस वीडियो में आपने पूरा कंसेप्ट तो समझ लिया है, पर फिर भी अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं मेरा आर्टिकल पढ़िए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया। इसमें सारा केस कवर किया है मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, ये आपके सामने हमेशा अवेलेबल रहेगा। कभी भी कंफ्यूजन हो आप इस केस को पढ़ सकते हैं, इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। और यहाँ जो आप हमारी वेबसाइट देख रहे हैं इसमें जितने भी आर्टिकल हैं उनको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जिन भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं वहां से इजिली शेयर कर सकते हैं। और आप भी हमें अदर सोशल मीडियाज पे ज्वाइन कर लीजिए, आपके मोबाइल में ऐप्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सअप चैनल, नए ऑप्शन आ चुकी है, तो यहाँ भी आप हमें जल्दी से ज्वाइन करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी और taxupdates.cagurujiclasses.com वेबसाइट पे आपको हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक टैब दिख रहा है आपको कोर्सेज का, यहाँ पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, इन पे क्लिक करते आप हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पे पहुंच जाएंगे, जिनके बारे में डिस्कशन में कर रही हूँ वीडियो के एंड में। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना, आपके लिए तो फ्री है बट दिस विल हेल्पफुल फॉर अस, तो फ्री सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर लें। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करें cagurujiclasses.com, यही वेब पेज आपके सामने अपीयर होगा, या फिर ऐप स्टोर पे चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें cagurujiclasses ऐप, आपको यही वेब पेज मिलेगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस, एमएसएमई, कंपनी रजिस्ट्रेशन, आप सारे कोर्सेज यहाँ से दे सकते हैं, ट्रेडमार्क कोर्स, अकाउंटिंग कोर्स, बहुत सारे कोर्स आपके हेल्प के लिए यहाँ पे लॉन्च किए, लिमिटेड वैलिडिटी भी है और लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज भी हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैक्स अपडेट्स का बटन है, आप हमारे इसी वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम बहुत सारे लेटेस्ट आर्टिकल्स अपडेट करते हैं। हमारे कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के केस में आप कॉन्टैक्ट अस पे आए, यहाँ पे आपको हमारे टीम का नंबर और ईमेल आईडी दिख रही है, आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।